क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने जो मॉडल दिया था, वो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था। इससे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास रिसाइड करता है, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने उन रिवॉल्विंग जो पाथ है, जिसे कि ऑर्बिट कहा जाता है, उन ऑर्बिट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं कहा था। सो यहां से उनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स, खामियां आती है। नील्स बोर ने उन ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट में, रैंडम किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसका एनर्जी फिक्स्ड हो, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है। सो उन्होंने कहा जो ऑर्बिट्स हैं ये सारे फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी, विद फिक्स्ड एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में रैंडमली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था। यहां तक नील्स बोर कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें इससे पहले के दो डेवलपमेंट्स के बारे में समझना होगा। वैसे भी इससे पहले कुछ वीडियोस में, इससे पिछले वाले कुछ वीडियोस में हमने उन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला डेवलपमेंट जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में काफी मददगार साबित हुआ, वो है हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, देखिए ये सारे वीडियोस जिनमें हमने इन सारे टॉपिक्स में डिटेल्स में बात किया था, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये एक पहला डेवलपमेंट था जिसके कारण कि बोर का एटॉमिक मॉडल सामने आ पाया। और दूसरा जो है ये है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले यह सोचा जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर भी दिखता है, जो कि सबसे पहले प्लांक ने इसे कहा था, और फिर आइंस्टाइन ने उसे यूज किया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। तो चलिए पहला डेवलपमेंट जो है उससे शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हम किसे कहते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा? तो अगर मान ले कि कोई एक व्हाइट लाइट हो, इसे अगर हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो फिर उसमें होता है डिस्पर्सन, अलग अलग कलर का जो कंस्टिट्यूएंट कलर का जो रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्प्लिट कर जाता है। जब इसे स्क्रीन में देखा जाता है तो हमें एक बेहतरीन कलरफुल पैटर्न दिखता है, बहुत ही बेहतरीन कलरफुल पैटर्न। सो कुछ ऐसा एक पैटर्न दिखता है आपको, स्क्रीन में दिख रहा है रियल फिगर। सो कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखता है, और फिर अगर इसी व्हाइट लाइट को हम हाइड्रोजन के थ्रू पास करें, तो अगर बीच में एक कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में अगर हाइड्रोजन रखा जाए, या किसी भी तरीके से, वी डोंट केयर हाउ राइट नाउ, तो अगर हाइड्रोजन से पास किया जाए तो फिर यहां पर कुछ डार्क लाइंस दिखते हैं हमें, बिल्कुल डार्क लाइंस, मानो कि हाइड्रोजन ने वहां के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया, ऐसे डार्क लाइंस हमें दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये अब्सॉर्ब कर लेता है सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम था, इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग रीजन में जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। सो अलग अलग रीजन में अलग अलग वेवलेंथ है।
तो इन स्पेशल रीजन्स में अगर हमें डार्क लाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब उस सर्टन फ्रीक्वेंसी के या उस सर्टन वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हाइड्रोजन अब्सॉर्ब कर लेता है। इसे हाइड्रोजन का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसी तरह से इसका उल्टा अगर कंसीडर किया जाए, अगर मान ले कंटेनर में हाइड्रोजन रखा हुआ है और हमने यहां पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया, तो इसके कारण यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बाहर निकलता है। अब उसे अगर हम उसी तरह से प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो फिर हमें स्क्रीन में बड़ा बेहतरीन एक पैटर्न दिखता है। कुछ सर्टन वेवलेंथ्स के हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्क्रीन में दिखता है, तो स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। पिछले केस में जिन जगह पे हमें डार्क लाइंस दिखे थे, इस बार हमें उन्हीं खास जगहों पे कलरफुल लाइंस दिखते हैं। कुछ ऐसे कलरफुल लाइंस, कुछ इस तरह का कलरफुल लाइंस हमें दिखते हैं। इसे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मानो कि यहां जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उस खास फ्रीक्वेंसी या खास वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा हो, इसीलिए इसे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसे कहा जाता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर इसी को ग्रांड लेवल में, बड़ा लेवल में देखा जाए, वैसे ये जो है ये कलरफुल लाइंस होने के कारण हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी लाइंस होते हैं जो कि या तो अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है या फिर इंफ्रारेड रेंज में होता है। सो अगर पूरा का पूरा इस सारे बैंड को अगर हम देखें, तो ऐसे हमें बहुत सारे सीरीज मिलता है, जैसे कि इसे हम एक सीरीज कह सकते हैं। उसी तरह से और भी बहुत बहुत सारे सीरीज हमें दिख सकते हैं। इसे नंगे आंखों से देखना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम स्पेशल अलग अलग एपरेटस यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमें स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं। सो पहले स्पेक्ट्रल लाइन को लीमन सीरीज कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है बामा सीरीज, उसी तरह से पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज आता है। सो मैं सिर्फ कुछ ही लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये जो पहला सीरीज है इसे लीमन सीरीज कहा जाता है, लीमन सीरीज, और दूसरा जो है इसे बामा सीरीज कहा जाता है। इसी को सबसे पहले खोजा गया था क्योंकि ये विजिबल रेंज में आता है, ये इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, कलरफुल बैंड्स होता है इसीलिए हम इसे देख सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसी को खोजा गया था। ये जो सीरीज है जिसे कि ड्रॉ किया गया, ये बामर सीरीज है। सो दिस इज बामर सीरीज। उसी तरह से आता है पाशन सीरीज और फिर आगे आता है ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, फंड सीरीज, इसी तरह से। सो ये है पाशन सीरीज। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन जगहों पे हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिख रहा है, जिन खास जगहों पे, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जैसे कि हमने बात किया था ना, इसका इस जगह पे एक खास वेवलेंथ होगा, यहां जो डार्क पैच हमें दिख रहा है उस जगह का वेवलेंथ कुछ अलग ही होगा, इसी तरह से अलग 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 लाइंस का वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होता है। और उसी सारे वेवलेंथ्स के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला बनाया था। सो रिडबर्ग के फॉर्मूला के हिसाब से जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल, सो इसका एक अलग वेवलेंथ, इसका एक अलग वेवलेंथ, इसका 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 सभी का एक अलग अलग वेवलेंथ होगा, लेकिन सबको हम जनरलाइज कर सकते हैं। सो इन जनरल जो भी वेवलेंथ्स है उसका जो रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, इंटू वन डिवाइडेड बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन टू स्क्वायर। ये था वो फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसका मतलब हम समझेंगे एक बार फिर से, वापस से रिविजन के तौर पे, इससे पहले हमने इस पे काफी डिटेल्स में बात किया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहां पर एन वन का जो वैल्यू है, एन वन का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होता है एन वन का। मतलब ये कि लीमन सीरीज के लिए एन वन जो है इसका वैल्यू 1 है, बामा सीरीज के लिए एन वन जो है एन वन का वैल्यू 2 है, पाशन सीरीज के लिए एन वन का वैल्यू 3 है, इसी तरह से आगे की सीरीज के लिए
जो N1 का वैल्यू है 4, 5, 6, 7 ऐसा होता है, और ये जो N2 है, यहां जो आपको N2 दिख रहा है, ये N2 दैट इज इक्वल टू N1+1, फिर N1+2, उसी तरह से N1+3 एंड सो ऑन। मतलब क्या, जब N1 का वैल्यू 1 है, मतलब लीमन सीरीज के लिए, N2 का वैल्यू होगा 1+1, फिर 1+2, फिर 1+3 एंड सो ऑन। मतलब N2 का वैल्यू इस केस में अगर देखा जाए, इस वाले वेवलेंथ के लिए N2 का जो वैल्यू होगा, ये होगा 2, 1+1, इसके लिए होगा 3, इसके लिए होगा 4, इसके लिए होगा 5 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे लाइन्स है जिसे ड्रॉ नहीं किया गया। सिमिलरली बामर सीरीज के लिए, जहां N1 का वैल्यू 2 है, वहीं N2 का वैल्यू होगा 2+1 विच इज 3, फिर 2+2 विच इज 4 एंड सो ऑन। सो ये होगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे लाइन्स होंगे। सिमिलरली पॉशन सीरीज के लिए ये होगा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। आगे के सीरीज के लिए भी यही रूल लागू होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो इसका रोल काफी ज्यादा था। अब आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले माना जाता था एक कंटिन्यूअस वेव है। सो पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एक वेव है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता था। लेकिन प्लांक ने कहा, सबसे पहले जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो प्लांक ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एनर्जी के पैकेट के तौर पे होता है, इस तरह से पैकेट के तौर पे होता है, बाद में उसका नाम फोटोन दिया गया। और एक एक पैकेट का जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी, एक एक पैकेट का जो एनर्जी है, ये बराबर होता है प्लांक्स कॉन्स्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है ये। आगे चल के इसी थ्योरी को ग्रैब कर लेते हैं या यूज करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि एक प्लेट, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, एक प्लेट, वहां पर जब एक फोटोन इंसिडेंट करता है तो वो इस प्लेट के एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। सो ये इंटरैक्ट करता है फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण कि ये यहां से फ्री होके बाहर निकल जाता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो यहां से दो पॉइंट्स, एक तो जो फोटोन है, फोटोन ये इंटरैक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है पूरा एनर्जी, अपना होल एनर्जी, फोटोन जो है अपना होल, पूरा का पूरा एनर्जी जो है, पूरा का पूरा एनर्जी ये ट्रांसफर कर देता है। किसे? किसे? इस इलेक्ट्रॉन को, पूरी तरह से ये ट्रांसफर कर देता है। तो ये रहा वो दूसरा थ्योरी या डेवलपमेंट जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में काफी मददगार साबित हुआ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो सभी को पता था उस समय, वो ये कि लाइट का जो स्पीड है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो होता है उस वेव का वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, आप सभी को पता होगा। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कह लें। तो यहां पर ये हो गया वो तीसरा इंफॉर्मेशन जिसे कि बोर ने यूज किया था। तो ये पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को मिलाते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए अगर आप बोर की जगह होते हैं, नील्स बोर की जगह, तो आप इन अवेलेबल इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करते हैं? चलिए, आई होप कि आपने इस बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने क्या सोचा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता हो, जिसका कि एनर्जी इतना है, तो फिर यहां पर
यहां अगर आप देखें जो रेडिएशन यहां से बाहर निकल रहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से, तो वो फोटोन की तरह निकलेगा, वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब यहां पर आके एक तरह का फोटोन यहां पर इंसिडेंट करेगा, एक खास तरह का फोटोन, और फिर यहां पर एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, यहां पर एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, और यहां पर भी एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, जिनके लिए जो वेवलेंथ है उसका इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये है वो इक्वेशन। अब देखिए यहां इन अलग अलग फोटॉन्स का जो एनर्जी होगा, हमें पता है वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। अब देखिए न्यू के साथ दैट मीन फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन है, तो हम उस रिलेशन को यहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखें कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, किसी भी तरह का फोटोन का जो एनर्जी होता है ये एनर्जी है जैसे कि हमने बात किया एच इंटू न्यू। अब न्यू जो है, न्यू ये लैम्डा के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अब न्यू के जगह पे हम यूज कर सकते हैं सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, सी को अगर इधर सेंड कर दे तो सी डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा, सो दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये जो लैम्डा है यहां पर वन ओवर लैम्डा है, यहां पर भी वन ओवर लैम्डा है, सो वन ओवर लैम्डा इज दिस वन। उस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी फोटोन, उसके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। सो एच सी इंटू वन ओवर लैम्डा, एच सी इंटू वन ओवर लैम्डा, वन ओवर लैम्डा। अब वन ओवर लैम्डा के लिए ये वाला टर्म, सो विच इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू वन ओवर एन वन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू स्क्वायर। सो जो फोटोन एमिट हो रहा है, जो एक्साइटेड हाइड्रोजन से एमिट हो रहा जो फोटॉन्स, उनके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गया, एनर्जी के लिए जनरल इक्वेशन मिल गया। अब जैसे कि हमने रिडबर्ग इक्वेशन पे बात करते हुए ये कहा था, ये देखा था कि एन वन का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, इस तरह से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। एन टू का वैल्यू क्या होगा, ये होगा एन वन प्लस वन, उसी तरह से एन वन प्लस टू, उसी तरह से n1 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो यहां से उन्होंने ये कहा कि अगर एनर्जी जो फोटोन बाहर निकल रहा है, अगर वो एनर्जी इसके बराबर हो, इसके बराबर कभी n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो, और चूंकि वो हाइड्रोजन से ही बाहर निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होंगे, खास एनर्जी स्टेट्स में होंगे, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आते हुए वो जरूर, चूंकि उसके एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो वो बाकी जो एनर्जी है वो जरूर एमिट कर दे रहा होगा। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड से भी ये समझ सकते हैं कि मान ले एक जगह पे एक बॉल अगर इस जगह पे रहे तो इसके पास एक खास पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेट अस से कि E1 इसका पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो जमीन में रहे यहां पर तो फिर इसके पास एक खास पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल E2। तो फिर अगर ये यहां से यहां गिर जाए तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, तो जो एनर्जी यहां से रिलीज्ड होगा एयर फ्रिक्शन के कारण, और फिर गिरेगा तो यहां पर साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होगा, तो उसके कारण जो एनर्जी ये रिलीज करेगा वो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू E1 माइनस E2। सो दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स एक से दूसरे में आए तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये रिलीज कर देता है। सो ये हम नॉर्मली ग्रेविटेशन और पोटेंशियल फील्ड में भी देखते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ। अब बोर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम में कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स का एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होता है, कुछ सर्टन ऑर्बिट्स होते हैं उनमें एनर्जी जो है, उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो एनर्जी होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स्ड होता है, और जब एक ग्राउंड स्टेट में, ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है और ये लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और जब ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और जब कोई फोटोन इसे आके स्ट्राइक करता है, कोई फोटोन आके इसे जब स्ट्राइक करता है तो वो अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इससे
इससे वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में पहुंच जाता है, हायर ऑर्बिट्स में पहुंच जाता है वो एनर्जी एक्वायर करके, क्योंकि ये जो है लोअर स्टेट में है, लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है, तो फोटोन उसे एनर्जी देता है और वो एनर्जी पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। और जब यही इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो उतना ही एनर्जी के इक्विवेलेंट एक फोटोन को रिलीज कर देता है। तो इस केस में रिलीज्ड होता है एक फोटोन जिसका एनर्जी बराबर होता है इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी के, और वो एनर्जी ऑब्वियसली इस इक्वेशन से गाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार होता है तो कुछ डेफिनेट एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है उसके बाद जब उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है तो वो कुछ डेफिनेट अमाउंट का एनर्जी का फोटोन को ही रिलीज करता है। अब देखिए जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये एनर्जी स्टेट सपोज इसका एनर्जी है E1 और सिमिलरली इस ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, और उसी तरह से इस ऑर्बिट का एनर्जी अगर E3 है तो ये E1 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर के, और ये E2 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर के, और ये E3 जो है उसी तरह से ये E3 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर के, और उसी तरह से आगे के ऑर्बिट्स के लिए भी एनर्जी जो है इसी तरह से डिफाइंड होता है। अब देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी है ये, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी उससे कम है जो कि है इतना, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटोन को ही वो रिलीज करेगा। तो उस केस में आप ये पाएंगे फोटोन का जो एनर्जी होगा वो होगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म। तो ऑब्वियसली वो इस इक्वेशन में अगर देखें तो N1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और N2 का वैल्यू हो जाएगा 2। आप सिंपल कैलकुलेशन से इसे समझ सकते हैं। उसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उस केस में जो एनर्जी होगा उस फोटोन का, रिलीज्ड फोटोन का, वो बराबर होगा दिस वन माइनस दिस वन। तो उस केस में N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और N2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी के कारण, डेफिनेट एसोसिएटेड एनर्जी के कारण ही कुछ डिस्क्रीट अमाउंट में, कुछ डेफिनेट अमाउंट में ही एनर्जी का फोटोन रिलीज हो रहा है। इसीलिए हमें कुछ सर्टन जगह पे डार्क लाइंस मिल रहे हैं, या फिर हमें सर्टेन जगह पे जब हम एमिसिव स्पेक्ट्रम की बात करें तो उस समय हमें सर्टेन जगह पे ब्राइट लाइंस हमें दिखता है। अब ये जो एनर्जी है इसे अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे जो एनर्जी होगा किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो हम मानेंगे एन ऑर्बिट के लिए जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, सो EN इज इक्वल टू नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू है 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 एंड सो ऑन। यहां पर n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और इस n को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंपल कैलकुलेशन से, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से H का वैल्यू, C का वैल्यू और R का वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिलता है, ये जो HCr है, दिस HCr इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो ये होगा नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जिसे कि हमने E1 से डिनोट किया था, सो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ये होता है नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है E2, ये बराबर होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड उसी तरह से E3 का वैल्यू होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब देखिए, जैसे कि हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसी के साथ, उसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जो फोटोन है उसे वो रिलीज करता है। लेट अस से कि एक इलेक्ट्रॉन E2 से E1 स्टेट में पहुंचा, तो इस केस में जो एनर्जी, एसोसिएटेड एनर्जी होगा फोटोन का, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। इन दोनों स्टेट के एनर्जी में जो चेंज होगा, जो डिफरेंस होगा, तो वो चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1 होगा। तो फोटोन का भी जो एनर्जी है वो दिस चेंज इन एनर्जी इसी के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं फोटोन का एनर्जी इज एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर रिलीज करेगा, सो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होना चाहिए। और ये न्यू जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये बराबर होगा ऑब्वियसली E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट के। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसे कहा जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। सो ये है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इस इक्वेशन से गाइडेड होगा। तो ये तो हो गया बोर का फ्रीक्वेंसी रूल। अब बोर ने कैलकुलेशन से ये बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है, लेट अस से दैट इज आर। सो ये जो आर है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, दैट आर इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। अब उन्होंने कैलकुलेशन से यह दिखाया कि यह तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था, किसी भी ऑर्बिट के लिए nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा यह बराबर होगा n² × r1, मतलब यह होगा n² × 52.9 पिकोमीटर। सो ये जो है ये इक्वेशन ये हमें रेडियस बताता है, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। अब बोर ने कुछ कैलकुलेशन करके ये बताया कि जो भी ऑर्बिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा उन ऑर्बिट्स में, उसके कारण, उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के कारण उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कि लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में आप फिजिक्स में 11th में ही पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो बराबर होता है n × प्लैंक्स कांस्टेंट / 2π। देखिए, इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप 11th में और फिर जाके 12th में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका डेरिवेशन यहां पर स्टैंडर्ड 11th में आपको नहीं बताया जाता है, वो आप क्लास 12th में फिजिक्स में एटम्स के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। सो उन्होंने ये डिराइव करके दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में, लेट्स से nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन का, वो होता है n × h / 2π। अगेन दिस n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए, एंड सो ऑन। अब बोर ने जो ये थ्योरी दिया ये उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, और हाइड्रोजन एटम में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उनका जो थ्योरी है ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम में फेल हो जाता है, लेकिन कुछ आयंस में, ऐसे आयंस जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उन आयंस के लिए बोर का ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है। वैसे कुछ आयंस हैं जैसे कि हम कह सकते हैं लिथियम प्लस प्लस, 2+ लिख देते हैं, उसी तरह से बेरिलियम प्लस 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 या बेरिलियम 3+ लिख देते हैं। तो ऐसे आयंस जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में, उस तरह के केस में बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये सक्सेसफुल होता है, वो उसे एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम में,
तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये फेल कर जाता है। साथ ही साथ जिस स्पेक्ट्रल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, अगर उस रीजन में जहां पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है उस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहे तो फिर वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाता है, और इसे बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसे ज़ीमन इफेक्ट कहा जाता है इस तरह के स्प्लिटिंग को। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हाइड्रोजन को रखा जाए तो भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो भी स्प्लिट कर जाता है। इसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। इस तरह के इफेक्ट्स को बोर का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। ये सारे लिमिटेशंस जाके दूर होता है जब क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर में आता है। तो इसीलिए हमें अब आगे पढ़ना होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसका लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख जाएगा। और हम शुरुआत करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर से। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।